गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास लेसन 8 इन SST रोड सेफ्टी। आइए आज इसका एक्सरसाइज करते हैं। दीज रोड साइंस आर सेइंग समथिंग, ये रोड के साइंस हैं, ठीक है, ये कुछ कहते हैं, ये क्या कहते हैं, ठीक है। मैच देम विथ द मीनिंग, इनके मीनिंग से इसे मैच करना है। तो नंबर वन है जेब्रा क्रॉसिंग। तो जेब्रा क्रॉसिंग कहाँ है, ये जेब्रा क्रॉसिंग है, तो ये इससे इसे मैच कर देंगे, जेब्रा क्रॉसिंग। नो एंट्री, ये नो एंट्री का साइन है। नो हॉर्न, ये है नो हॉर्न। नो पार्किंग, ये रेलवे क्रॉसिंग, ये है रेलवे क्रॉसिंग। एंड स्टेप हिल, ये है स्टेप हिल। स्टेप हिल का मतलब ऊंची पहाड़ी, सीधी पहाड़ी, ठीक है। टिक द करेक्ट आंसर, वी मस्ट वॉक ऑन द, हमें किस पर चलना चाहिए, फुटपाथ पर। नंबर टू, इफ देयर इज नो फुटपाथ वी शुड वॉक ऑन द डैश साइड ऑफ द रोड, है ना, जब अगर कहीं फुटपाथ नहीं है तो हमें रोड के किस साइड चलना चाहिए, तो लेफ्ट साइड में, ये लेफ्ट साइड, ठीक है। टू क्रॉस द रोड वी यूज डैश क्रॉसिंग, हमें रोड क्रॉस करने के लिए हम किस चीज का यूज करना चाहिए, तो जेब्रा क्रॉसिंग का, ठीक है। व्हाइल, नंबर फोर है, व्हाइल क्रॉसिंग द रोड वी शुड बी वेरी, जब हम रोड क्रॉस करना चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए, बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए, बहुत ही ध्यान से रोड क्रॉस करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट नंबर फाइव, वी शुड वेट फॉर द स्कूल बस इन अ, हमें स्कूल बस का वेट करना चाहिए कैसे, तो क्यू में, है ना, लाइन में। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स विद द गिवन वर्ड्स, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करना है। नंबर वन देखिए, वी शुड ऑलवेज क्रॉस द रोड ओनली एट अ, हमें रोड हमेशा क्रॉस कहाँ से करना चाहिए, तो जेब्रा क्रॉसिंग से, ये है वन नंबर, ठीक है। नंबर टू, वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन अ, हमें हमेशा कहाँ चलना चाहिए, फुटपाथ पर। नंबर थ्री, वी शुड फॉलो द डैश सिग्नल्स, हमें किसे फॉलो करना चाहिए, तो ट्रैफिक सिग्नल को, नंबर थ्री, ठीक है। और नंबर फोर है, वी शुड नॉट ट्राई टू गेट ऑन इन टू अ डैश व्हीकल्स, है ना, हमें कभी भी चलती बस में नहीं जाना, चलती कोई भी व्हीकल्स में, है ना, जब वो रन कर रहा हो तब उसमें नहीं चढ़ना चाहिए, तो मूविंग व्हीकल्स, नंबर फोर, ये हो गया। नेक्स्ट है, मैनी व्हीकल्स, ये ट्रू फॉल्स है, ठीक है। मैनी व्हीकल्स रन ऑन द रोड, बहुत से व्हीकल जो हैं वो रोड पर चलते हैं, तो ट्रू। देयर आर नो ट्रैफिक सिग्नल्स ऑन द रोड क्रॉसिंग, ठीक है, कोई भी ट्रैफिक सिग्नल रोड पर नहीं रहता है, तो ये फॉल्स हो गया। नंबर थ्री, वी शुड फॉलो द रूल्स ऑफ द रोड सेफ्टी, है ना, हमें रोड के सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए, तो ट्रू है। नंबर फोर, क्रॉस ओनली व्हेन द ट्रैफिक लाइट इज रेड, जब ट्रैफिक लाइट में रेड लाइट जलती है तभी हमें रोड क्रॉस करना चाहिए, तो ये रॉन्ग होगा, ठीक है, जब ट्रैफिक लाइट में ग्रीन लाइट जले तब हमें रोड क्रॉस करना चाहिए। इसके बाद लास्ट है, डू नॉट गेट इनटू अ मूविंग बस, कभी भी चलती बस में नहीं चढ़ना चाहिए, तो ये भी ट्रू है। हो गया, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है, लुक एट दिस पिक्चर, इस पिक्चर को देखिए। राइट इफ द चिल्ड्रन इन ईच ऑफ देम आर एस, यानी सेफ, एस फॉर सेफ, और एन एस यानी नॉट सेफ, ठीक है। तो देखिए इसमें सेफ, एस यानी सेफ यानी सुरक्षित है, और एन एस यानी नॉट सेफ यानी असुरक्षित है, ठीक है, ये हमें यहाँ पर राइट करना है। तो देखिए ये बच्चा जो है ना, ये चलती बस से उतरने की कोशिश कर रहा है, तो इसके लिए अनसेफ है, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या राइट करेंगे, एन एस नॉट सेफ।
और देखिए यहाँ पर देखिए ये बच्चा है जो रोड क्रॉस कर रहा है, कहाँ से कर रहा है, जेब्रा क्रॉसिंग से, ठीक है, तो ये सेफ है। यहाँ पर बस का वेट किया जा रहा है और क्यू में लाइन में खड़े हैं बच्चे, ये सेफ है। और देखिए ये रोड पर बच्चे जो हैं पतंग खेल रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं, काइट फ्लाइंग कर रहे हैं, तो ये फॉल्स है, यानी नॉट सेफ है ना, एक्सीडेंट हो सकता है यहाँ पर। तो ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट है, हाउ डू यू क्रॉस द रोड, तुम रोड कैसे क्रॉस करते हो, नंबर दिस स्टेप इन द करेक्ट ऑर्डर। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिया हुआ है, ये वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप करना है इसे हमें। जैसे ये नंबर वन देखिए, यहाँ पर नंबर वन राइट किया हुआ है, यानी कि नंबर वन में है ये, आई स्टैंड ऑन द फुटपाथ और द साइड ऑफ द रोड, रोड के किनारे में खड़ा हूँ या फुटपाथ पर खड़ा हूँ, ठीक है, ये नंबर वन स्टेप है, ठीक है। इसके बाद नंबर टू में क्या होना चाहिए, मतलब रोड के किनारे खड़ा है ये बच्चा फुटपाथ पर, ठीक है, तो ये रोड क्रॉस करने के लिए खड़ा है, तो पहले क्या करना चाहिए, आई लुक टू माई राइट, मैंने पहले राइट की तरफ देखा, अपनी राइट साइड में देखा, यानी कि ये टू नंबर, ठीक है। देन आई लुक टू माई लेफ्ट, उसके बाद लेफ्ट साइड में देखो, ठीक है, अगेन आई लुक टू माई राइट, उसके बाद फिर से राइट में देखना चाहिए, फोर नंबर हो गया। आई मेक श्योर दैट द रोड इज क्लियर, उसके बाद आप श्योर हो जाइए कि रोड क्लियर है, सॉरी ये फाइव नंबर है। रोड क्लियर है तभी ये रोड क्रॉस करेंगे। इसके बाद नंबर सिक्स है, आई क्रॉस द रोड, है ना, उसके बाद आप जब कंफर्म हो जाइए कि रोड क्लियर है तो फिर रोड क्रॉस कीजिए। तो ये हो गया, ठीक है, नंबर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, इस तरह से इसे स्टेप बाय स्टेप राइट किया। चलिए ये कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज, लेसन 8 आपका।